हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नंदनी और आज मैं बना रही हूँ टेस्टी कटहल की सब्जी। यस फ्रेंड, आज मैं बना रही हूँ टेस्टी कटहल की सब्जी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। मैं आपसे बोल लूँगी कि आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फिर चलते हैं रेसिपी बनाने। कटहल की सब्जी बनाने के लिए हम लोग लेंगे कटहल। कटहल को मैंने 2 मिनट उबाल के ले लिया है। इसके बाद मैंने लिया है प्याज, नमक, हल्दी और मसाले। मसालों में मैंने सूखी मिर्च, लहसुन, गरम मसाले, जीरा और काली मिर्च लिया है और फिर मैंने उसका बारीक पेस्ट बना लिया है। सबसे पहले हम लोग कटहल को भून लेंगे। हम लोग का कढ़ाई गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें तेल को डाल दूँगी। हम लोग का तेल गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें कटहल को डाल दूँगी भुनने के लिए और इसको चला के हम लोग कटहल को अच्छा सा लाल भून लेंगे। 20 पीस में चला के हम लोग कटहल को अच्छे से भून लेंगे। ऐसे ही आपको कटहल को लाल भून लेना है। अभी मैं इसको बाहर निकाल लूँगी और बाकी के कटहल को भी ऐसे ही भून लूँगी। कटहल भुनने के बाद हम लोग उसी तेल में तेज़पत्ता को डाल देंगे, प्याज को डाल देंगे और इसको चला के हम लोग अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसी टाइम पे मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी, स्वाद अनुसार नमक, और फिर इसको एक बार और चला लेंगे। कटहल को मैंने हाई फ्लेम पे भुना था पर प्याज को मैं ऐसे मीडियम फ्लेम पे भुनूँगी। प्याज को हम लोग ऐसे पीस पीस में चलाते रहेंगे। हम लोग को जितना चाहिए, हम लोग का प्याज भुन चुका है। अभी मैं इसमें मसालों को डाल दूँगी। मसालों में मिर्च आप अपने हिसाब से रखिएगा, आपको जितना तीखा खाना हो। मैं ये सब्जी 6 लोग के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसमें 4 सूखी मिर्च ली थी। हल्दी डाल दूँगी और इसको बराबर चलाते हुए मैं मसालों को अच्छा सा लाल भून लूँगी। हम लोग का मसाला अच्छे से भुन चुका है, आप देख सकते हो मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अभी मैं इसमें जो मैंने कटहल भुन के रखा था उसको डाल दूँगी और पानी डाल दूँगी। अगर आपको ग्रेवी पतली चाहिए तो आप अपने हिसाब से पानी डाल लेना। मुझे ग्रेवी पतली नहीं चाहिए, सब्ज़ी मुझे सूखी ही रखनी है तो मैं उस हिसाब से पानी डाल रही हूँ। मैंने इसमें इतना ही पानी डाला है कि कटहल अच्छे से कुक हो जाए। अभी मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी उबाल आने के लिए। मैं ढक्कन हटा के देख लेती हूँ। आप देख सकते हो हम लोग की सब्ज़ी में उबाल आ चुका है। इसको एक बार मैं बस चला लूँगी और फिर इसको ऐसे ही ढक के मैं लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ दूँगी पकने के लिए। सब्ज़ी को रखे हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। एक बार मैं ढक्कन को हटा के देख लेती हूँ। आप देख सकते हो हम लोग की टेस्टी सी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। मैं आपसे बोलूँगी कि आप इस सब्ज़ी को सूखा ही बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। पर आपको ग्रेवी वाली चाहिए तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हो। अभी मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। सो फिर मेरी टेस्टी से सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। मैं आपसे बोलूँगी कि आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ पर कमेंट करिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स।